अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मशीन कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। कुर्ती का मेज़रमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट ज़रूर से करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर मशीन कॉटन फैब्रिक लिया है, टोटल 2.5 मीटर। इससे हम अपनी डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। अगर फुल ड्रेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने लिया है 4.5 मीटर फैब्रिक, जिसमें से हमने ट्यूलिप सलवार बनाई है और ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए सिंगल फोल्ड है अभी लंबाई में, तो इसको एक और इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें। तो जितनी भी आपकी फ़िटिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको फ़ोल्ड करें और बाकी का फैब्रिक यहाँ से कट कर दें। अब देखिए फैब्रिक की एक साइड पर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपकाया हुआ है और बैक साइड हमने ऐसे ही रहने दिया है। उसके बाद 4 फोल्ड में इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हल्का सा ज़्यादा कर लिया है। और उसके बाद आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। आपकी जितनी भी फिटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग सारे मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर लेंथ मैं रख रही हूँ 12.5 इंच की लेंथ हमारी तैयार रहेगी, तो मैंने 13 इंच का ये टॉप पार्ट हम कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेस्ट जितनी भी है तो उसका 4th पार्ट ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 16.5 कर रही हूँ, तो 8 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। कमर का हमने 13.5 करके निशान लगा दिया है। उसके बाद इन निशानों को इस तरीके से मिला दें और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद अच्छे से आपने आर्म होल पर गुलाई देनी है, तो ऐसे गुलाई दे दें। पहले आप चेस्ट और फिर जो भी आपकी फ़िटिंग है उसका निशान लगा दें, उसके बाद गुलाई दिएगा तो फिर बहुत अच्छी गुलाई आएगी। अब मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड बैक की दोनों की गुलाई दे दी है। उसके बाद यहाँ पर नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 3.5 इंच की और लंबाई 3 इंच की रख रही हूँ, तो 3.5 और 3 इंच की लंबाई। और बैक साइड का हमने नेक उसी हिसाब से रख लेना है, चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं 1.5 इंच की लंबाई रख रही हूँ बैक नेक की, और इसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर देना है। तो मैंने ये सारे निशानों पर अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बैक निशान हमें जो हमने नेक पर लगाए थे वो भी कट कर लेना है, तो साथ ही साथ ये भी कट हो जाता है। अब उसके बाद इसको ओपन कर लें, तो ओपन करने के बाद जैसे ही मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये शोल्डर हमारे जॉइंट हुए हैं, क्योंकि हमने इधर से फ़ोल्ड किया हुआ था, तो ये हिस्सा मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए बैक साइड तो हमारी ऐसे ही है, बट फ्रंट साइड में हमने पेस्टिंग पेपर चिपका कर रखा है, तो इसको दोबारा से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक कपड़ा ले लें और इसके नीचे इस तरीके से आपने ऐसे रख लेना है, ताकि हम जब नेक बनाए तो अच्छे से गुलाई से पट्टी कट करके आ जाए। तो यहाँ पर देखिए चाहे आप पिन लगा लें या फिर ऐसे ही कट कर लें, इसके नीचे हमने रखते हुए ही ऐसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद देखिए हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से कट हो गया है। हमने ये फ्रंट नेक अभी कट किया हुआ है और ये नीचे वाली जो पट्टी है इसमें भी आपने ऐसे गुलाई दे देनी है। तो तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई या फिर 1 इंच की चौड़ाई रख लें आप इस पट्टी की, और उसके बाद ये नेक हम आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ से आपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर लेने हैं, तो मैं यहाँ से जो भी हमने निशान लगाए थे उस पर ऐसे कट कर दें। ये कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने ये कट कर लिया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पट्टी को साइड से रख देना है और उसके बाद इसको सीधी साइड से मैं देखती हूँ तो इस तरीके से आपने सीधी साइड से दोबारा से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर रख लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करेंगे अपनी कुर्ती में। तो सबसे पहले इंची टेप से निशान लगा लें। मैं यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, और ये निशान लगाने के बाद आप चाहें जिस शेप में भी चाहें उस शेप में आप डिज़ाइन बना सकते हो इसमें। तो आप चाहें तो स्क्वायर में बना लें या फिर ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ उस शेप में भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके का शेप दे रही हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ, तब तक मैं लाइन यहाँ पर डार्क करती हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लाइन्स को अच्छे से डार्क कर लिया है। इसी तरीके से आपने और सारी लाइन्स ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल तो इन लाइन्स को आपने अच्छे से डार्क कर लेना है और दूसरी साइड हमें अच्छे से कवर कर देना है। तो इसको दोबारा से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, तो जितनी भी लाइन्स हमने बनाई है ना उसी तरीके से सेम तरीके से छपकर उधर की साइड आ जाएंगी। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा नेक लाइन तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो किसी भी साइज़ की इसमें लेस अटैच कर सकते हो। फिलहाल तो मैं एक ये चौड़ी वाली लेस ले रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस बना तो दी, बट मुझे एक ही सिंगल लाइंस पसंद आई तो मैंने एक ही लगा दी। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताएं कि मैं ये सारी लाइंस बनाती या फिर एक ही ठीक है।
तो फिलहाल तो मैंने एक निशान लगा लिया है और एक पर हमने लेस भी लगा ली है और बाकी के निशान ऐसे ही हमें देख रहे हैं कि हम पर लेस क्यों नहीं लगाई। और उसके बाद जो पट्टी है हमारी उसका हम नेक बना लेंगे और बैक साइड का ऐसे ही हमने अच्छे से नेक बना देना है। तो मैंने फ्रंट नेक पर अच्छे से लेस भी लगा दी है और बैक नेक भी हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद जैसे नॉर्मल हम फिटिंग लगाते हैं अपनी कुर्ती में, उसी तरीके से टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगा लें। अब स्लीव्स के लिए जैसे कि हमने टॉप पार्ट का फैब्रिक कट कर रख लिया था, ऐसे ही स्लीव्स का फैब्रिक कट कर लिया है। ओपन साइड की तरफ मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ इसको इस तरीके से। जीने का तरीके से आपने शेप दे देना है। और 7.5 पर आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ और 16 इंच की लेंथ स्लीव्स की रख रहे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर आपने मोरी फुल पर रख लेनी है, तकरीबन ये 8 इंच की मोरी होगी। और इस तरीके से अपने आर्म होल से मिला देना है, कुछ अच्छा सा शेप दे देना है। तो लूज़ ही मैं ये स्लीव्स बना रही हूँ। इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लें और कट करने के बाद यहाँ पर मोरी को आपने अच्छे से सिल लेना है। और सिलने के बाद यानी कि फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर लेस वगैरह अटैच कर लेना है, फिटिंग लगा लेना है, कुर्ती में अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से कुर्ती में अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स अटैच करना नहीं आती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर। अब स्लीव्स और टॉप पार्ट निकालने के बाद इतना कपड़ा हमारे पास बचा है, सिंगल फोल्ड में है अभी। इसको मैं इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। तो ये तकरीबन 1 मीटर है और 1 मीटर से 6.5 इंच तकरीबन ज़्यादा है ये। उसकी बिर्थ हमने देखनी है कितनी है, तो 20 इंच इसकी बिर्थ है। उसको हमने अलग कर लिया है, 2 टुकड़े कर लिए हैं इसमें से। और 2 टुकड़े करने के बाद यहाँ पर हमें इसमें गैदरिंग डाल देनी है दोनों टुकड़ों पर और अच्छे से यहाँ पर फोल्ड कर देना है बॉटम। तो मैंने अभी बॉटम फोल्ड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमने गैदरिंग बना दी है। एक दूसरे को रखते हुए इस तरीके से सिल दें अपनी कमर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ से बाद में हमने बॉटम को फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें नॉर्मल तरीके से अटैच कर देना है। तो बॉटम पर हमने अच्छी सी लेस लगा ली है। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। और इसके साथ हमने ट्यूलिप सलवार बनाई है, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। Even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. To the right. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We'd just make it hot. Cause reality will never be good enough. And even if